हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो सऊदी अरब के एक बैंक में हनीफा सोम हज़रत उस्मान बिन अफान रदी अल्लाह ताला अन्हो का आज भी करंट अकाउंट मौजूद है। ये जानकर इंसान हैरत में रह जाता है कि मदीना मुरव्वरा की म्यूनिसिपलिटी में हज़रत उस्मान के नाम पर बाकायदा जायदाद रजिस्टर्ड है। आज भी हज़रत उस्मान के नाम पर बिजली और पानी का बिल आता है। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ पीने के साफ पानी की बड़ी किल्लत थी। यहाँ पर एक यहूदी का कुआँ था बैर रूमा, जो मुसलमानों को पानी महंगे दामों फरोख्त करता था। मुसलमानों ने भी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अपनी परेशानी से आगाह किया तो आपने फरमाया, कौन है जो ये कुआँ खरीदे और मुसलमानों के लिए वक्फ करे, ऐसा करने पर अल्लाह ताला से जन्नत में चश्मा अता करेगा। हज़रत उस्मान इस पर लबैक कहा यहूदी के पास गए। कुआँ चूँकि बड़ी अपनी का जरिया था इसलिए यहूदी ने फरोख्त करने से इनकार किया। हज़रत उस्मान ने की तदबीर और यहूदी से कहा कि पूरा कुआँ तो ना दो, लेकिन आधा कुआँ मुझे फरोख्त करो। आधा कुआँ फरोख्त करने पर एक दिन कुएँ का पानी तुम्हारा, दूसरे दिन मेरा होगा। यहूदी इस पर लालच में आया और उसने सोचा कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अपने दिन में पानी ज़्यादा पैसे में फरोख्त करेंगे, इस तरह ज़्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिल जाएगा। इसने आधा कुआँ हज़रत उस्मान को फरोख्त कर दिया। अब हुआ कुछ यूँ कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो ने तो अपने दिन मुसलमानों को कुएं से मुफ्त पानी हासिल करने की इजाज़त दी। लोग हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो के दिन मुफ्त पानी हासिल करते और अगले दिन के लिए उसको ज़हीरा कर लेते। यहूदी के दिन कोई भी पानी खरीदा नहीं था। यहूदी ने देखा इसकी तजारत तमाम पड़ गई है, उसने हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो से बाकी कुआँ खरीदने की भी गुजारिश की। उस पर हज़रत उस्मान तो राज़ी हो गए और कुआँ खरीद कर जो है वो मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। इस दौरान एक आदमी ने हज़रत उस्मान को कुआँ दुगना कीमत पर खरीदने की पेशकश की तो हज़रत उस्मान ने कहा कि मुझे इससे ज़्यादा की पेशकश है। आप रज़ी अल्लाह ने हर बार फरमाया मुझे इससे कई गुना की पेशकश है। बलाहिर उस आदमी ने कहा कि आखिर कौन है जो आपको 10 गुना देने की पेशकश करता है। हज़रत उस्मान ने कहा कि मेरा रब है जो मुझे एक नेकी पर 10 गुना अजर देने की पेशकश करता है। वक्त गुजरने के साथ कुएँ के इर्द गिर्द खजूरों का बाग बना, इसमें खजूरों के दरख्त बने और मदीना म्यूनसिपलिटी में हज़रत उस्मान के नाम पर यह रजिस्टर्ड है। वज़ारत ज़राअत खजूरों की आमदनी हज़रत उस्मान के नाम पर महकमे जमा कराती है। अकाउंट में इतनी जमा होती है कि मरकज़ी इलाका उसमें एक प्लाट खरीद दिया गया है, जहां फंदक़े उस्मान के नाम पर एक होटल तमीर किया गया है और इस होटल से सालाना 50 मिलियन रियाल आमदनी मतवक़ो है, जिसका आधा हिस्सा गरीबों मस्किनों में तकसीम होगा और बाकी आधा हज़रत उस्मान के बैंक अकाउंट में जमा होगा।